लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के खिलाफ एकजुट हो रहे विपक्षी नेताओं में कौन सरकार बनने की स्थिति में देश को नेतृत्व देगा, यह सवाल पिछले कुछ वक्त से चर्चा का विषय है। 19 जनवरी को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की महारैली के बाद यह सवाल फिर से तेजी पकड़ रहा है और बीजेपी इस बहाने विपक्षी लामबंदी को अलग अलग उपमाओं से संबोधित कर रहे हैं। महागठबंधन के मंच का हिस्सा बन रहे नेताओं में ममता बनर्जी और मायावती के नाम पर भी चर्चा है। इस बीच कोलकाता में 22 दलों के 44 नेताओं के बीच ममता के मंच पर मौजूद रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा ने देश का रोजगार संकट दूर करने वाले प्रधानमंत्री के तौर पर खुद को सबसे प्रबल दावेदार बताया है। भारतीय जनता पार्टी के बागी नेता और अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में वित्त मंत्री रहे यशवंत सिन्हा ने एक टीवी शो के दौरान ये इच्छा जाहिर की है। दरअसल शो में चर्चा के दौरान यशवंत सिन्हा से सवाल किया गया कि देश में हर साल 1.2 करोड़ रोजगार पैदा करना सबसे बड़ी चुनौती माना जा रहा है, ऐसे में वह प्रधानमंत्री के तौर पर किस नेता के अंदर यह क्षमता देखते हैं जो इन पैमानों पर खरा उतर सके। इसके जवाब में यशवंत सिन्हा ने कहा कि रोजगार के अलावा मैं यह भी कहूंगा कि देश में सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों तक हमें लाखों किलोमीटर सड़कें बनानी हैं। इसके अलावा कृषि के क्षेत्र में भी बहुत काम होने हैं और नए शहर बनने हैं। इससे आगे यशवंत सिन्हा ने कहा कि ये सब काम अगर हम करना शुरू करते हैं तो हर साल सिर्फ 1.25 करोड़ नहीं बल्कि 2-3 करोड़ रोजगार पैदा किए जा सकते हैं, लेकिन हम ऐसा कर नहीं कर रहे हैं। इसके आगे उन्होंने सवाल का असल जवाब देते हुए कहा कि हमें ऐसा देखना पड़ेगा जो ये सब करने के लिए तैयार हो। यशवंत सिन्हा के इस जवाब पर फिर उनसे सवाल किया गया कि कौन ऐसा नेता है। इसके जवाब में यशवंत सिन्हा ने कहा कि उनके दिमाग में ऐसा कोई नाम नहीं है। सिन्हा के इस जवाब पर फिर सवाल किया गया कि इस रेस में कौन सबसे करीब है, यानी कौन नेता है ऐसा कर सकने के नज़दीक है। इस सवाल के जवाब में यशवंत सिन्हा ने कहा कि ऐसा करने वाले नेताओं में सबसे करीब मैं हूं। इतना ही नहीं, यशवंत सिन्हा के बराबर में बैठे सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी भी इस जवाब पर मुस्कुरा गए और उन्होंने कहा कि इस रेस में मैं इनके पीछे सबसे नज़दीक हूँ।